असलकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करो, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है और आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आप लोगों को न्यू आने वाली अप टू डेट मिलती रहे। नाउ वी स्टार्ट मैथ 603 क्विज नंबर 1। सबसे पहले हम फर्स्ट क्विज देख लेते हैं। विच मेथड रिक्वायर्स आर डेरिवेटिव ऑफ द सॉल्यूशन, यानी वो कौन सा मेथड है जिसमें हमें सॉल्यूशन के लिए डेरिवेटिव रिक्वायर्ड होता है। मैंने इसके शॉर्ट लेक्चर बनाए थे, आप वहाँ से भी इसका कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। यानी हमारे पास जो है वो न्यूटन्स मेथड्स है, जिसमें हमारे पास किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट उसका डेरिवेटिव रिक्वायर्ड होता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर है न्यूटन रॉसमैन मेथड। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0 हैज़ एट लीस्ट डैश कॉम्प्लेक्स रूट, यानी इसके हमारे पास कितने कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। इसके हमारे पास 1 एंड 2, 2 कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 है। थर्ड हमारे पास है द लीनियर इक्वेशन। हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन है, 0x प्लस 0y इज इक्वल टू 2 हैज़ अ सोल्यूशन, यानी इसका हमारे पास कौन सा सोल्यूशन होगा। अब देखिए, हमारे पास जो x और y की वैल्यू है वो पहले ही 0 है, यानी हमारे पास इसका जो आंसर है वो नो सोल्यूशन होगा, यानी इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नो सोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी एक इक्वेशन का जो रूट है वो -3 -7 आयोटा, देन द अदर रूट विल बी, तो इसका दूसरा रूट क्या होगा। हमने कॉम्प्लेक्स की तो इक्वेशन पढ़ी थी, यानी यहाँ पे हमारे पास होता है a प्लस माइनस आयोटा बी, तो यहाँ पे हमारे पास है माइनस का 3 -7 आयोटा। तो सेकेंड इसकी जो इक्वेशन होगी, यानी दूसरा रूट हमारे पास -3 प्लस 7 आयोटा, तो ये सेकंड वाला इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है -3 प्लस 7 आयोटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट एन आइट्रेटिव मेथड, यानी इसमें से वो कौन सा मेथड है जो आइट्रेटिव मेथड नहीं है। यहाँ पे हमारे पास जो जैकोबिस मेथड है वो भी हम आइट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, गैस सिड्रल मेथड भी हमारे पास आइट्रेटिव मेथड है, रिलैक्सेशन मेथड भी हमारे पास आइट्रेटिव मेथड है, यानी गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड ये हमारे पास आइट्रेटिव मेथड नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास अंडर एलिमिनेशन मेथड, वी कंसीडर द गॉस एलिमिनेशन एंड डैश मेथड, यानी अंडर द एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेशन मेथड में कंसीडर किया जाता है गॉस एलिमिनेशन को, और कौन से मेथड को कंसीडर करेगा, गॉस सिडरल, जैकोबिस, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन, यानी इसमें हम गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन को यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x की 4 माइनस 2x स्क्वायर, इसके हमने रियर रूट बताने की कि इसके हमारे पास रियर रूट कितने बनेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसके जो रियर रूट हैं वो भी 2 ही बनेंगे, और 2 ही इसके कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। नेक्स्ट है द फर्स्ट रो ऑफ द आर्गुमेंट मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज, यानी फर्स्ट रो ऑफ द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, यानी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की फर्स्ट रो क्या होगी लीनियर इक्वेशन में। अब देखिए, फर्स्ट हमारे पास क्या x की जगह पे 2 है, y नहीं है तो हम y की जगह पे क्या लिखेंगे, 0, z क्या है हमारे पास 1 है, और यहाँ पे इज इक्वल टू 4, तो ये हमारे पास इसकी फर्स्ट रो होगी। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन विल हैव, यानी अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट हम ले ए का और वो इक्वल ना हो 0 के, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो हमारे पास सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, अ यूनिक सोल्यूशन। अगर वो इक्वल हो जाता है 0 के तो हमारे पास नो सोल्यूशन आता है। यहाँ पे नॉट इक्वल की बात हुई तो यूनिक सोल्यूशन होगा।
नेक्स्ट हमारे पास है आर डैश मेथड. मैट्रिक्स ए ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इज डिकम्पोज इन द प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिक्स एल एंड यू. एल इज अ लोअर ट्राइंगुलर, यू इज अ अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स विद वंस ऑन द मेन डायगनल. यानी मेन डायगनल में इसके वंस है और लोअर है अपर है, ये कौन से उसमें यूज होता है? गॉशियन एलिमिनेशन मेथड में यूज होता है. तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट हमारे पास है अंडर द आइट्रेटिव मेथड द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन इज अज्यूम टू बी. यानी आइट्रेटिव मेथड के अंदर इनिशियल अप्रोक्सीमेशन अज्यूम टू बी नाउन. तो ये हमारे पास यहाँ पे नाउन इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट है नंबर. द नंबर सिस्टम हैज़ एट लीस्ट बेस टू इज कॉल्ड सिस्टम. यानी ऐसे सिस्टम जिसकी बेस टू हो क्या कहलाता है? बाइनरी सिस्टम कहलाता है. तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है, बाइनरी सिस्टम. नेक्स्ट है अंडर एलिमिनेशन मेथड वी कंसीडर द गॉस एलिमिनेशन एंड डैश मेथड. यानी एलिमिनेशन मेथड में हम गॉशियन एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन दोनों मेथड को यूज करते हैं. एन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आल्सो बी यूज टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय कंबाइनिंग इट विद द डैश. यानी जब हम ऑगमेंट मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हैं तो इसे किस मैट्रिक्स से कंबाइन करते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम उसे कंबाइन करते हैं, तभी हम उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे आइडेंटिटी आएगा. नेक्स्ट हमारे पास है इन मेथड द एलिमेंट अबव एंड बिलो द डायगोनल आर सिमल्टेनियसली मैट जीरो. यानी ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हमारे पास अबव और बिलो जो आए वो जीरो आए, जस्ट डायगोनल्स में वन आए? वो कौन से मेथड में होता है? गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड में होता है ऐसा. तो ये गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास 3x की पावर 4 माइनस 2x के माइनस 24 हैज एट लीस्ट कॉम्प्लेक्स रूट. इसके कितने कॉम्प्लेक्स रूट होंगे? इसके हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स रूट होंगे. तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ गया. नेक्स्ट हमारे पास बैक सब्सिट्यूशन प्रोसीजर इज यूज्ड इन. यानी बैक सब्सिट्यूशन प्रोसीजर किस में यूज़ होता है? गॉशियन एलिमिनेशन मेथड में हम यूज़ करते हैं बैक सब्सिट्यूशन प्रोसीजर को. आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्यूरी हो तो आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट में पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.